वेलकम टू नेक्स्ट एग्जाम। आज हम हिंदी के कुछ ऐसे इंपोर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस करेंगे जो अलग अलग कॉम्पिटिटिव एग्जाम में बहुत बार रिपीट हुए हैं। मैंने टोटल 80 क्वेश्चन ऐसे सेलेक्ट किए हैं जो अलग अलग कॉम्पिटिटिव एग्जाम में बहुत बार रिपीट हुए हैं। तो ये वीडियो है 80 क्वेश्चन का, हिंदी के मोस्ट इंपोर्टेंट ये 80 क्वेश्चन है। आप पूरा वीडियो देखिए, लास्ट में आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताना कि आपको इन 80 क्वेश्चन में से कितने क्वेश्चन आते थे। मैंने अलग अलग कॉम्पिटिटिव एग्जाम में से ये टोटल 80 क्वेश्चन सेलेक्ट किए हैं जो कई बार रिपीट हो चुके हैं, और आप इस वीडियो की पीडीएफ फाइल इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन से डाउनलोड कर सकते हैं। अगर आपको डिस्क्रिप्शन से पीडीएफ फाइल डाउनलोड करने में प्रॉब्लम आती है तो आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप से भी इस वीडियो की पीडीएफ फाइल डाउनलोड कर सकते हैं। टेलीग्राम ग्रुप का लिंक इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, उस लिंक पर क्लिक करके आप हमारा टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, घ का उच्चारण स्थान क्या है। उच्चारण स्थान से भी बहुत क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो घ का उच्चारण स्थान होता है कंठ, यानी कि इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही है। हिंदी में 25 स्पर्श व्यंजन है, कितने 25 स्पर्श व्यंजन है, और इनमें 5 वर्गों में विभाजित किया गया है, क वर्ग, च वर्ग, ट वर्ग, त वर्ग और प वर्ग। ये 25 स्पर्श व्यंजनों के 5 वर्ग हैं और हर वर्ग में 5-5 व्यंजन हैं। जैसे क वर्ग में होते हैं 5 व्यंजन, कौन कौन से हैं, क, ख, ग, घ, ग, और क वर्ग का उच्चारण स्थान होता है कंठ। तो क वर्ग के जो 5 व्यंजन हैं इनका उच्चारण स्थान होगा कंठ। कौन कौन से हैं, क, ख, ग, घ, ग। ऐसे ही च वर्ग का उच्चारण स्थान है ताल, और च वर्ग में कौन कौन से वर्ड आते हैं, च, छ, ज, झ, ञ। टवर्ग का उच्चारण स्थान है मूर्धा, यानी कि मूर्धन्य, और टवर्ग में कौन कौन से 5 वर्ड आते हैं, ट, ठ, ड, ड, ण। ऐसे ही तवर्ग का उच्चारण स्थान है दंत, और तवर्ग में 5 कौन कौन से व्यंजन है, त, थ, द, ध, न, और पवर्ग का उच्चारण स्थान है ओष्ठ, क्या है, ओष्ठ, और पवर्ग में कौन कौन से 5 वर्ड आते हैं, प, फ, ब, भ, म। तो ये आपको 25 स्पर्श व्यंजन के उच्चारण स्थान याद होने चाहिए, क्योंकि उच्चारण स्थान से बहुत क्वेश्चन पूछे जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, छ वर्ण किसके योग से बनता है। आपको पता होना चाहिए संयुक्त व्यंजन कौन कौन से हैं, छ, त्र, ज्ञ और स्र, छ, त्र, ज्ञ और स्र, और इनको पूछा जाता है कि छ किसके योग से बनता है, तो छ बनता है क और श के योग से, यानी कि इस क्वेश्चन का ए ऑप्शन सही है। ऐसे ही आपसे पूछ लेता है त्र किसके योग से बनता है, त और र के योग से बनता है त्र। ऐसे ही पूछ लेता है ज्ञ किसके योग से बनता है, तो ज और ञ के योग से बनता है ञ, और कई बार पूछ लेता है छ, त्र, ज्ञ और श्र और बचा, तो श और र के योग से बनता है श्र। तो ये 4 संयुक्त व्यंजन है, ये कई बार पूछे जाते हैं कि किन किन के योग से बनते हैं, तो ये आपको याद होने चाहिए। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा अंतस्थ व्यंजन है। अब इनमें से आपको अंतस्थ व्यंजन बताना है, तो आपको पता होना चाहिए अंतस्थ व्यंजन होते कौन कौन से हैं, तो य, र, ल और व, ये 4 होते हैं अंतस्थ व्यंजन। तो इसमें से कौन सा अंतस्थ व्यंजन है, व, यानी कि इस क्वेश्चन का डी ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा ऊष्म व्यंजन है। अब ऊष्म व्यंजन कौन से होते हैं, तो 4 ही ऊष्म व्यंजन होते हैं, श, श और श और ह, ये 4 ऊष्म व्यंजन है, तालबिश, मूर्धनिश, दंतिश और ह, ये 4 ऊष्म व्यंजन है। तो इसमें से कौन सा ऊष्म व्यंजन है, ये कौन सा सा है, तालबिश, यानी कि इस क्वेश्चन का शी ऑप्शन सही है। अब कई बार यहीं से क्वेश्चन बना देता है, एक ये वाला श लिख के दे देगा कि पूछ लेगा ये कौन सा शाह है, तो ये आपको याद होना चाहिए, ये तालबिश है, ये मूर्धनिश है और ये दंतिश है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अध्यक्ष में कौन सा उपसर्ग है। 4 ऑप्शन दिए गए हैं, इनमें से आपको बताना है कि अध्यक्ष में कौन सा उपसर्ग है, तो अध्यक्ष में होता है अधि उपसर्ग, यानी कि इस क्वेश्चन का ए ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अभ्यास में कौन सा उपसर्ग है, तो अभ्यास में भी अभि उपसर्ग होता है, यानी कि इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है, अभ्यास में अभि उपसर्ग, और अध्यक्ष में क्या था, अधि, अध्यक्ष में अधि और अभ्यास में अभी, ये याद रखने हैं आपको उपसर्ग। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अत्यधिक में कौन सा उपसर्ग है, अत्यधिक, तो अत्यधिक में होता है अति उपसर्ग, यानी कि इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सदाचार में कौन सा उपसर्ग है,
तो सदाचार में होता है सत ऑब्जर्व, यानी कि इस क्वेश्चन का डी ऑप्शन सही है। अगर आपको इस वीडियो से रिलेटेड कोई भी डाउट होता है तो आप इंस्टाग्राम पे इंद्रेश आरसी, INDRESHRC, इंस्टाग्राम पे इंद्रेश आरसी सर्च करके आप मेरे साथ जुड़ सकते हो और कोई भी डाउट डिस्कस कर सकते हो। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संस्कृत में कौन सा उपसर्ग है? तो संस्कृत में होता है शम उपसर्ग, यानी कि इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, खिलाड़ी में कौन सा प्रत्यय है? ये ध्यान रखना, अभी तक मैंने यहाँ पे उपसर्ग वाले क्वेश्चन चल रहे थे। उपसर्ग क्या होते हैं? जो शब्दों के आगे जुड़कर उनका अर्थ बदल देते हैं। और प्रत्यय क्या होते हैं? जो शब्दों के पीछे जुड़कर उनका अर्थ बदल देते हैं। तो खिलाड़ी में कौन सा प्रत्यय है? आड़ी प्रत्यय, यानी कि इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कहानी में कौन सा प्रत्यय है? आपको कहानी में कौन सा प्रत्यय बताना है। तो कहानी में होता है आनी प्रत्यय, यानी कि इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पठनीय, पठनीय में कौन सा प्रत्यय है? जल्दी से आपको बताना है कि पठनी में कौन सा प्रत्यय है। तो पठनी में होता है ई प्रत्यय, यानी कि इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, छलिया में कौन सा प्रत्यय है? तो छलिया में कौन सा प्रत्यय होता है? छलिया में होता है ER प्रत्यय, यानी कि इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही है। ये उपसर्ग और प्रत्यय से कॉम्पिटिटिव एग्जाम में बहुत क्वेश्चन पूछे जाते हैं, और मैंने वही क्वेश्चन सेलेक्ट किए हैं जो 3 से 4 बार रिपीट हो चुके हैं। 3-3, 4-4 बार जो क्वेश्चन रिपीट हो चुके हैं वो मैंने सेलेक्ट किए हैं। तो आप पूरा वीडियो बहुत ध्यान से देखें, लास्ट में आपको जरूर बताना है कि आपके इन 80 क्वेश्चन में से कितने क्वेश्चन सही हुए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अलमारी किस भाषा का शब्द है? ये क्वेश्चन भी बहुत पूछे जाते हैं कि अलमारी किस भाषा का शब्द है। तो आपको बताना है कि अलमारी किस भाषा का शब्द है। तो अलमारी है पुर्तगाली भाषा का शब्द, यानी कि इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रिक्शा किस भाषा का शब्द है? ये बहुत बार पूछा गया है। रिक्शा मोस्ट इंपोर्टेंट है और ये सबसे ज्यादा गलत होता है। यहाँ पे फर्स्ट ऑप्शन पे अंग्रेजी दे देता है और आपने अंग्रेजी में रिक्शा को रिक्शा ही लिखा होता है और आप अंग्रेजी पर टिक कर देते हैं, जबकि आपको याद रखना है कि रिक्शा है जापानी भाषा का शब्द, यानी कि इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही है। ये मोस्ट इंपोर्टेंट है रिक्शा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वकील किस भाषा का शब्द है? तो वकील किस भाषा का शब्द है? वकील है अरबी भाषा का शब्द, यानी कि इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रिपोर्ताज किस भाषा का शब्द है? इनमें से आपको बताना है कि रिपोर्ताज किस भाषा का शब्द है। तो रिपोर्ताज है फ्रांसीसी भाषा का शब्द, यानी कि इस क्वेश्चन का ए ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आल्पीन किस भाषा का शब्द है? आपको बताना है कि आल्पीन किस भाषा का शब्द है। तो आल्पीन है पुर्तगाली भाषा का शब्द, यानी कि इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गमला किस भाषा का शब्द है? गमला भी मोस्ट इंपोर्टेंट है, बहुत रिपीट होता है। गमला किस भाषा का शब्द है? तो गमला भी होता है पुर्तगाली भाषा का शब्द, यानी कि इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कारतूस किस भाषा का शब्द है? कारतूस भी बहुत पूछा जाता है और कारतूस है फ्रेंच भाषा का शब्द, यानी कि इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रेलगाड़ी कैसा शब्द है? ये भी बहुत पूछा जाता है, ये भी मोस्ट इंपोर्टेंट है। रेलगाड़ी कैसा शब्द है? तो रेलगाड़ी है संकर शब्द। अब संकर शब्द के बारे में आपको बता देता हूं, ऐसे शब्द जो दो अलग अलग भाषाओं से मिलकर बने होते हैं उन्हें हम संकर शब्द कहते हैं। जैसे रेलगाड़ी, अब रेलगाड़ी में रेल क्या है? अंग्रेजी का है, और गाड़ी किसका है? हिंदी का। तो ये दो भाषाओं से मिलकर बना है, तो ये हो जाएगा संकर शब्द, यानी कि इस क्वेश्चन का डी ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में योगरूढ़ शब्द है, इसमें से आपको योगरूढ़ शब्द बताना है। 3 तरह के शब्द होते हैं, रूढ़, यौगिक और योगरूढ़। इनके बारे में मैंने अलग से वीडियो बनाया है, अगर आपने वीडियो नहीं देखा है तो उसे आप जरूर देख लीजिए। ये वीडियो मैंने बनाया है रूढ़, यौगिक और योगरूढ़ शब्दों को पहचानने वाला वीडियो। अगर आपने ये वीडियो नहीं देखा है तो इसे आप जरूर देखिए। आपको बस यूट्यूब पर रूढ़ शब्द बाई नेक्स्ट एग्जाम या फिर रूढ़, यौगिक, योगरूढ़ नेक्स्ट एग्जाम इतना सर्च करके आप सर्च कर लोगे तो आपको हमारा ये वीडियो मिल जाएगा। और अगर आप एक बार ये वीडियो देख लोगे तो आप कभी भी ये रूढ़, यौगिक और योगरूढ़ शब्द गलत नहीं करोगे। तो इसमें से कौन सा योगरूढ़ शब्द है? इसमें से है तसानन,
अब योगरूढ़ होता क्या है? वैसे तो मैंने आपको इस वीडियो में बता दिया है, लेकिन फिर मैं आपको एक बार बता देता हूं योगरूढ़ होता क्या है। जिसका कोई अलग ही अर्थ निकलता है उसे हम योगरूढ़ कहते हैं। जैसे दशानन, दशानन का मतलब क्या होता है? दस आनन, यानी कि जिसके दस सिर हैं। तो इसका मतलब क्या निकलता है? रावण। तो जो इसका एक्चुअल मीनिंग है वो तीसरा निकलता है, दस आनन होना चाहिए यानी कि दस सिर, लेकिन मतलब क्या निकल रहा है? रावण। तो जिसका तीसरा अर्थ निकलता है वो हम कहते हैं, उसे कहते हैं योगरूढ़ शब्द। यानी कि इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से योगरूढ़ शब्द है, इसमें भी आपको योगरूढ़ बताना है। अब आप बहुत आसानी से बता दोगे, तो इसमें से बताइए कौन सा है जिसका अलग ही अर्थ निकल रहा है। देखो, पाठशाला है, पाठशाला का तो पाठशाला ही निकलेगा, उपचार का उपचार निकलेगा, अव्यक्ति का अव्यक्ति ही निकलेगा। लेकिन चक्र पाणी का अगर आप करोगे तो चक्र है पाणी में जिसके, पाणी यानी कि हाथ, ये एक शब्द समूह के लिए एक शब्द भी है कि जिसके हाथ में चक्र है उसे क्या कहते हैं, तो चक्र पाणी। और ये कौन है? विष्णु, जिनके हाथ में चक्र है। तो इसका भी एक तीसरा अर्थ निकल रहा है, तो ये हो जाएगा योगरूढ़ शब्द। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कवि का स्त्रीलिंग शब्द है, ये मोस्ट मोस्ट इंपोर्टेंट है, डबल मोस्ट लिखा है, तो बहुत ध्यान से आपको याद रखना है। कवि का स्त्रीलिंग शब्द, तो कवि का स्त्रीलिंग होता है कवयित्री, व पर ई की मात्रा नहीं होती है, ये ध्यान रखना है, केवल य पर ई की मात्रा होती है, व पर ई की मात्रा नहीं होती है। यानी कि इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सदैव शब्द में कौन सी संधि है? आपको बताना है कि सदैव में कौन सी संधि है। तो सदैव में है वृद्धि संधि, यानी कि इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही है। सदैव का आप संधि विच्छेद करोगे, सदा धन एव, अधन ए बराबर अय, यानी कि वृद्धि हो गई तो वृद्धि संधि हो जाएगी। और वृद्धि संधि का सूत्र क्या होता है? वृद्धि रेचि। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पावक शब्द में कौन सी संधि है? चार ऑप्शन है, इनमें से आपको बताना है कि पावक में कौन सी संधि है। तो पावक का आप संधि विच्छेद करोगे तो क्या होता है? पौ धन अक, क्या होता है? पौ धन अक। और कौन सी संधि है इसमें? अयादि संधि। और अयादि का सूत्र क्या होता है? एचो अयवा याबा, क्या होता है? एचो अयवा याबा। ये संधियों के सूत्र भी पूछ लिए जाते हैं कई बार, तो ये सूत्र भी आपको याद रखने हैं। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अत्यधिक शब्द में कौन सी संधि है? जल्दी से आप बताइए इसमें से कौन सा आंसर सही है आपके अकॉर्डिंग। तो अत्यधिक में है यड संधि, अति धन अधिक, ई को यह आदेश हुआ तो कौन सी संधि हो गई? यड संधि। और यड संधि का सूत्र क्या होता है? इको यड़ची। इसे आप नोट कर लीजिए, जितने भी मैं आपको सूत्र बता रहा हूं इन्हें आप नोट कर लीजिए, ये सूत्र भी पूछे जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चंद्रोदय शब्द में कौन सी संधि है? तो चंद्रोदय में कौन सी संधि हो जाएगी? इसका संधि विच्छेद पहले करिए, चंद्र धन उदय, अधन अ धन उ, क्या हो जाएगा? ओ। तो ये कौन सी संधि हो गई? गुड़ संधि। यानी कि इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही है। और गुड़ संधि का सूत्र क्या होता है? आदगुणा। इसे सूत्र को आप नोट कर लीजिए। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हरीश शब्द में कौन सी संधि है? तो इसमें से आपको बताना है कि हरीश में कौन सी संधि है। तो पहले आप इसका संधि विच्छेद कीजिए, हरीश का संधि विच्छेद क्या हो जाएगा? हरे धन ईश, तो ए धन ई बराबर क्या हो जाएगा? ई। तो ये कौन सी हो गई? दीर्घ संधि। यानी कि इस क्वेश्चन का ए ऑप्शन सही है। और दीर्घ संधि का सूत्र क्या होता है? अकह सवर्णे दीर्घ, ये नोट कर लीजिए आप सूत्र। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यथाशक्ति में कौन सा समास है? अब समास बहुत पूछे जाते हैं, यथाशक्ति जिसमें भी आगे उपसर्ग लगा हो। अब आप इसमें देखिए आगे यथा उपसर्ग लगा है, यथा। ये मैं आपको ट्रिक बता रहा हूं, वैसे मैंने समास का अलग से वीडियो अपलोड किया है, उसे आपने देखा भी होगा, ये वीडियो है। अगर आपने नहीं देखा है तो इसे आप जरूर देख लीजिए। अगर आप एक बार ये वीडियो देख लोगे तो समास कभी भी गलत नहीं करोगे। समास नेक्स्ट एग्जाम इतना सर्च करोगे आपको हमारा ये वीडियो मिल जाएगा यूट्यूब पर, बस आपको इतना सर्च करना है समास नेक्स्ट एग्जाम और आपको हमारा ये वीडियो मिल जाएगा। जिस भी शब्द में आगे उपसर्ग लगा हो चुपचाप आंख बंद करके आप अव्ययीभाव समास पर टिक कर दो। जिसमें भी आगे अगर उपसर्ग लगा है तो वहां पे अव्ययीभाव समास होता है, ये आप याद कर लीजिए। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जलमग्न शब्द में कौन सा समास है? तो जलमग्न का समास विग्रह क्या हो जाएगा? जल में मग्न, यानी कि बीच में कारक चिन्ह आ गया में। अब जहां भी बीच में कारक चिन्ह आ जाता है वहां पे तत्पुरुष समास होता है। यानी कि इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही है।
और कारक चिन्ह कौन कौन से होते हैं? कर्ता ने कर्म को कर्से के द्वारा संप्रदान के लिए अपादान से अलग होने के संबंध में अधिकरण में पेपर, ये होते हैं कारक चिन्ह। कर्ता ने कर्म को कर्से के द्वारा संप्रदान के लिए अपादान से अलग होने के संबंध में अधिकरण में पेपर, तो ये होते हैं कारक चिन्ह। तो इसमें मैं कारक चिन्ह का लोप हो रहा है, तो अधिकरण में पेपर, अधिकरण में कौन कौन से चिन्ह आते हैं? मैं पेपर, तो इसमें हो जाएगा अधिकरण तत्पुरुष। वैसे सिंपली तत्पुरुष समास लिख के देता है, तो आपको याद रखना है जहां भी कारक चिन्ह का लोप हो वहां पे होता है तत्पुरुष समास। नेक्स्ट क्वेश्चन है, परमानंद शब्द में कौन सा समास है? परमानंद, इसकी भी मैं आपको एक ट्रिक बताऊंगा। जहां भी आप समास विग्रह करने पर है जो और के समान, है जो और के समान, ये दो शब्द आ जाएं समास विग्रह करने पर, वहां पे होता है कर्मधारय समास। अब परमानंद का आप समास विग्रह करिए, तो परम है जो आनंद, है जो आ गया ना, तो जहां भी है जो और के समान, ये दो शब्द मैंने आपको बताए, ये आ जाए तो वहां पे होता है कर्मधारय समास। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, घनश्याम शब्द में कौन सा समास है? तो घनश्याम का समास विग्रह क्या होगा? घन के समान श्याम, यानी कि काला, घन के समान काला, तो के समान आ गया ना, तो के समान आया तो कौन सा समास हो जाएगा? कर्मधारय समास, यानी कि इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चौराहा शब्द में कौन सा समास है? तो चौराहा में बात बताना है आपको कौन सा समास है, तो जहां भी संख्यावाचक शब्द आ जाए, चौराहा में संख्यावाचक आया ना, चार राहों का समूह, तो जहां पे भी संख्यावाचक शब्द आ जाए वहां पे द्विगु समास होता है, यानी कि इस क्वेश्चन का डी ऑप्शन सही है। द्विगु में आप गु को पकड़ लीजिए, गु से क्या होता है? गुणा, और गुणा किसका होता है? संख्याओं का, तो जहां पे भी संख्यावाचक शब्द आए वहां पे आपको याद रखना है द्विगु समास होता है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पंचवटी शब्द में कौन सा समास है? यहां पे भी आ गया ना संख्यावाचक, तो कौन सा समास हो जाएगा? द्विगु समास, यानी कि इस क्वेश्चन का डी ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लाभ हानि शब्द में कौन सा समास है? जहां पे भी समास विग्रह करने पर बीच में और आए, और शब्द आए, तो वहां पे होता है द्वंद्व समास, यानी कि इस क्वेश्चन का हो जाएगा ए ऑप्शन। लाभ हानि का आप समास विग्रह करोगे तो आपको क्या मिलेगा? लाभ और हानि, ऐसे ही होता है रात दिन, तो रात और दिन, भाई बहन पूछ लेता है तो भाई और बहन, तो जहां पे भी और शब्द आए वहां पे द्वंद्व समास होता है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चक्रपाणि शब्द में कौन सा समास है? मैंने आपको बताया था चक्रपाणि क्या होता है, चक्र है पाणि में जिसके, यानी कि चक्र है हाथ में जिसके, अर्थात विष्णु। जहां पे भी समास विग्रह करने पर अलग ही अर्थ निकलता है, कोई तीसरा ही अर्थ निकलता है, तो वहां पे होता है बहुव्रीहि समास। ये मोस्ट इंपोर्टेंट है, बहुव्रीहि समास मोस्ट 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 इंपोर्टेंट है। इस पे मैं जितना भी मोस्ट लिखूं उतना कम है, ये आप याद कर लीजिए। जहां पे भी आप समास विग्रह करेंगे तो समास विग्रह करने के बाद आपको दो शब्द मिलेंगे, चक्र और पाणि, यहाँ पे दो शब्द हैं, लेकिन तीसरा अर्थ निकलेगा इनका, चक्र है पाणि में जिसके, अर्थात विष्णु। तो जहां पे भी समास विग्रह करने पर तीसरा अर्थ निकले वहां पे बहुव्रीहि समास होता है, यानी कि इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नीलकंठ शब्द में कौन सा समास है? अब नीलकंठ का आप समास विग्रह करोगे तो नीला है कंठ जिसका, यानी कि भगवान शिव, यानी कि शंकर जी, तो तीसरा अर्थ निकला तो कौन सा समास हो गया? बहुव्रीहि समास, यानी कि इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जंगम शब्द का विलोम शब्द है, ये मोस्ट इंपोर्टेंट है, जंगम बहुत पूछा जाता है। जंगम का विलोम शब्द क्या होता है? स्थावर, यानी कि इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विराट का विलोम शब्द है, विराट का विलोम क्या होता है? क्षुद्र, यानी कि इस क्वेश्चन का डी ऑप्शन सही है। नेक्स्ट है तिमिर, तिमिर का विलोम क्या होता है? तिमिर का मतलब क्या होता है? तिमिर का मतलब होता है अंधेरा, अंधेरे का पर्यायवाची है तिमिर, तो इसका विलोम क्या हो जाएगा? उजाला, यानी कि आलोक, यानी कि ए ऑप्शन सही है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आविर्भाव का विलोम शब्द है, आविर्भाव का विलोम क्या होता है? तिरोभाव, यानी कि इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उन्मीलन का विलोम शब्द है, उन्मीलन का विलोम क्या होता है? निमीलन, यानी कि इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उन्मूलन, एक होता है उन्मीलन और एक होता है उन्मूलन। उन्मीलन का क्या था? निमीलन, और उन्मूलन का क्या होता है? रोपण। दोनों एक साथ इसीलिए लिखे हैं कि इनमें आपको कंफ्यूजन ना हो,
तो उन्मूलन का विलोम क्या होता है? रोपण। नेक्स्ट क्वेश्चन है रेजु। रेजु का विलोम शब्द है, तो रेजु का विलोम क्या होता है? वक्र। यानी किस क्वेश्चन का बे ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है निषिद्ध। निषिद्ध का विलोम क्या होता है? विहित। यानी किस क्वेश्चन का ए ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है मीनाक्षी किसका पर्यायवाची है? मीनाक्षी बहुत पूछा जाता है, मोस्ट इंपोर्टेंट है। मीनाक्षी होता है किसका पर्यायवाची होता है? मीनाक्षी दुर्गा का। यानी कि इस क्वेश्चन का बे ऑप्शन सही है। और दुर्गा के और भी पर्यायवाची बहुत पूछे जाते हैं, जैसे कालिका पूछ लेता है, चंडिका पूछ लेता है, ये सभी दुर्गा के पर्यायवाची हैं। तो मीनाक्षी सबसे ज्यादा पूछा जाता है, तो आपको याद रखना है मीनाक्षी है दुर्गा का पर्यायवाची। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हिरण्यगर्भ किसका पर्यायवाची है? हिरण्यगर्भ होता है ब्रह्मा का पर्यायवाची। यानी कि इस क्वेश्चन का डी ऑप्शन सही है। और ब्रह्मा का एक और पर्यायवाची बहुत पूछा जाता है, चतुर्मुख। क्या? चतुर्मुख। चतुर्मुख और चतुर्भुज में बहुत कंफ्यूजन होता है, तो ये आपको याद रखना है। चार मुख होते हैं ब्रह्मा जी के, यानी कि चतुर्मुख है ब्रह्मा का पर्यायवाची। चतुर्भुज यानी कि चार भुजाएं होती हैं विष्णु जी की, तो चतुर्भुज है विष्णु का पर्यायवाची। इन दोनों में आपको कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, और सबसे ज्यादा इन्हीं में कंफ्यूजन होता है, चतुर्मुख और चतुर्भुज में। तो चतुर्मुख याद रखिए ब्रह्मा का है, और चतुर्भुज किसका है? विष्णु का। नेक्स्ट क्वेश्चन है कालिंदी किसका पर्यायवाची है? तो कालिंदी है यमुना का पर्यायवाची। यानी कि इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है मार्तंड किसका पर्यायवाची है? मार्तंड। मार्तंड होता है सूर्य का पर्यायवाची। सूर्य के आपने बहुत सारे पर्यायवाची पढ़े होंगे, रवि, भानु, भास्कर, दिनकर, लेकिन मार्तंड सबसे ज्यादा पूछा जाता है। मार्तंड है सूर्य का पर्यायवाची। नेक्स्ट क्वेश्चन है ऊर्मी किसका पर्यायवाची है? ऊर्मी। अब यहाँ पे ऊर्मी से संधि में क्वेश्चन बहुत पूछे जाते हैं, लघुर्मी, मधुर्मी, और वहां पे ऊर्मी भी लिख देता है। जैसे लघुर्मी उसने पूछा, तो लघु धर्म ऊर्मी, ये तो होगा इसका सही संधि विच्छेद, लेकिन पहला ऑप्शन में वो ऊर्मी लिख देता है, और ऊर्मी और ऊर्मी में आप अंतर नहीं कर पाते हो, पहला ही ऑप्शन टिक कर देते हो। आपको याद रखना है ऊर्मी होता है सही शब्द, ऊर्मी नहीं होता। ऊर्मी नहीं होता, ऊर्मी सही होता है, और ऊर्मी होता है तरंग का पर्यायवाची। यानी कि इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है जनार्दन किसका पर्यायवाची है? जनार्दन। तो जनार्दन किसका पर्यायवाची होता है? विष्णु का पर्यायवाची होता है जनार्दन। यानी कि इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है बिडौजा। बिडौजा किसका पर्यायवाची है? बिडौजा भी मोस्ट इंपोर्टेंट है, बहुत पूछा जाता है बिडौजा। बिडौजा है इंद्र का पर्यायवाची। यानी कि इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है महाश्वेता किसका पर्यायवाची है? महाश्वेता। महाश्वेता होता है सरस्वती जी का पर्यायवाची। यानी कि इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है। सरस्वती के और भी पर्यायवाची पूछे जाते हैं, जैसे इला, भारती, बागेश्वरी, ये सभी सरस्वती के पर्यायवाची हैं, ये याद रखने हैं आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन है पौबारा होना मुहावरे का क्या अर्थ है? तो पौबारा होने का क्या अर्थ होता है? अत्यधिक लाभ होना। यानी कि इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है चांद पर थूकना मुहावरे का क्या अर्थ है? चांद पर थूकना, चांद पर थूकने का मतलब होता है असंभव कार्य करना। यानी कि इस क्वेश्चन का ए ऑप्शन सही है। और सबसे इंपोर्टेंट मुहावरा ये है खेत रहना, ये मोस्ट इंपोर्टेंट है। खेत रहना मुहावरे का अर्थ होता है वीर गति को प्राप्त होना या शहीद होना। यानी कि इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है। सबसे ज्यादा बार पूछा गया है ये खेत रहना, ये याद रखना है आपको। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कागजी घोड़े दौड़ाना मुहावरे का क्या अर्थ है? तो कागजी घोड़े दौड़ाने का मतलब होता है व्यर्थ की लिखा पढ़ी करना। यानी कि इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कान काटना मुहावरे का क्या अर्थ है? कान काटना, तो कान काटने का मतलब होता है चतुर होना। यानी कि इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है सिर उठाना, सिर उठाने का क्या मतलब होता है? विद्रोह करना। यानी कि इस क्वेश्चन का डी ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है मक्खी का तत्सम रूप है, मक्खी का आपको तत्सम रूप बताना है। तत्सम तद्भव लगभग हर कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछे जाते हैं, जिसमें भी हिंदी पूछी जाएगी एक तत्सम तद्भव का क्वेश्चन आपसे जरूर पूछा जाएगा।
और तत्सम तत्वों को पहचानने की मैंने ये वीडियो अपलोड कर दी है। अगर आपने ये वीडियो नहीं देखी है, वैसे आपने ये वीडियो जरूर देखी होगी, 19 लाख लोग इस वीडियो को देख चुके हैं। अगर आपने ये वीडियो अभी तक नहीं देखी है तो इस वीडियो को आप जरूर देखिए, क्योंकि अगर आप एक बार इस वीडियो को देख लोगे तो जिंदगी में तत्सम तद्भव कभी भी गलत नहीं करोगे। आपको YouTube पर बस तत्सम तद्भव नेक्स्ट एग्जाम इतना सर्च करना है और आपको हमारा ये वीडियो मिल जाएगा। मक्खी का तत्सम होता है मच्छिका, यानी कि इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है करपट का तद्भव रूप है। तत्सम शुद्ध होता है और तद्भव अशुद्ध होता है, ये भी आपको पता होना चाहिए। तो करपट का तद्भव रूप क्या है? कपड़ा, यानी कि इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हल्दी का तत्सम रूप क्या है। हल्दी का तत्सम रूप क्या होता है? हरिद्रा, यानी कि इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है गेहूं। गेहूं बहुत पूछा जाता है, मोस्ट इंपोर्टेंट है। गेहूं का तत्सम रूप है, तो गेहूं का तत्सम रूप क्या होता है? गोधूम, यानी कि इस क्वेश्चन का ए ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कनिष्ठिका और मध्यमा के बीच की उंगली को क्या कहते हैं। कनिष्ठिका और मध्यमा, आपको पता होना चाहिए हाथ में ये उंगलियां होती हैं, जैसे ये हाथ की उंगली है, मैंने हाथ बनाया है, कोशिश की है हाथ बनाने की, तो ये होता है अंगुष्ठ, ये होता है तर्जनी, ये होती है मध्यमा, ये होती है अनामिका, और ये होती है अंगुष्ठ, तर्जनी, मध्यमा, अनामिका और कनिष्ठिका। सबसे छोटी वाली जो उंगली होती है उसे हम कनिष्ठिका कहते हैं। तो ये पांच उंगलियां हैं और इनके नाम है। इंग्लिश में अगर कहें तो थंब, इंडिकेट, मिडिल, रिंग, स्मॉल, ये इंग्लिश नाम है, और हिंदी में नाम है अंगुष्ठ, तर्जनी, मध्यमा, अनामिका और कनिष्ठिका। तो इसमें आपसे क्या पूछा है कि कनिष्ठिका और मध्यमा, ये है कनिष्ठिका और ये है मध्यमा, तो बीच वाली कौन सी बची? अनामिका, यानी कि इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही है। ये पांचों नाम आप याद कर लीजिए, कुछ भी पूछ सकता है। अभी इसमें तो कनिष्ठिका और मध्यमा के बीच की पूछ ली, कभी पूछ ले अंगुष्ठ और मध्यमा के बीच की क्या कहेंगे, तो ये तर्जनी हो जाएगी। ये पांचों नाम आपको याद होने चाहिए। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है गुरु के समीप रहकर अध्ययन करने वाले को क्या कहते हैं। सब समूह के लिए एक शब्द है। गुरु के समीप रहकर अध्ययन करने वाले को कहते हैं अंतेवासी, यानी कि इस क्वेश्चन का डी ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है जिसकी पूर्व में कोई आशा न हो उसे क्या कहते हैं। जिसकी पूर्व में कोई आशा न हो तो उसे कहते हैं अप्रत्याशित। अब इसमें तीन अप्रत्याशित लिखे हैं मैंने, तो इसमें से कौन सा अप्रत्याशित सही है? तो ये तालबी शाह वाला अप्रत्याशित सही है, यानी कि इस क्वेश्चन का डी ऑप्शन सही है। तो ये याद रखना है जिसकी पूर्व में कोई आशा ना हो उसे कहते हैं अप्रत्याशित, और जब थोड़ा सा ज्यादा टफ क्वेश्चन पूछना होता है तो इस तरह से तीन बार अप्रत्याशित लिख देगा, ये दंतेशा, ये मूर्धन्यशा, ये तालबी शाह। तो आपको याद रखना है तालबी शाह वाला अप्रत्याशित सही है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है आधी रात के समय को क्या कहते हैं। आधी रात के समय को, तो आधी रात के समय को कहा जाता है निशीथ, यानी कि इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही है। और कई बार यही क्वेश्चन दूसरी तरह से पूछा जाता है कि रात्रि के दूसरे पहर को क्या कहते हैं, तो रात्रि के दूसरे पहर को कहते हैं निशीथ। पहले पहर को कहते हैं प्रदोष, दूसरे को निशीथ और तीसरे को त्रियामा। ये तीनों आपको याद होने चाहिए, तीनों ही पूछे जाते हैं। पहला पहर प्रदोष, दूसरा पहर निशीथ और तीसरा पहर त्रियामा, ये तीनों आपको याद कर लेने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है जानने की इच्छा रखने वाले को क्या कहते हैं। तो जानने की इच्छा रखने वाले को कहते हैं जिज्ञासु, यानी कि इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही है। अब ये तो जानने की इच्छा है, एक बार पूछा जाता है कि जीतने की इच्छा रखने वाले को क्या कहते हैं, तो जिगीषु, और जीतने की इच्छा रखना क्या कहलाता है, जिगीषा, और जीने की इच्छा रखना क्या कहलाता है, जिजीविषा। तो ये जीने की इच्छा, जीतने की इच्छा और जानने की इच्छा तीन है, तीनों आपको याद होने चाहिए। जानने की इच्छा जिज्ञासा, जीतने की इच्छा जिगीषा और जीने की इच्छा जिजीविषा, तीनों आपको पता होना चाहिए। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है मछली के समान आंख वाली स्त्री को क्या कहते हैं। जिसकी आंखें मछली के समान हो उसे क्या कहते हैं, मीनाक्षी, यानी कि इस क्वेश्चन का शी ऑप्शन सही है। और कई बार पूछ लेता है कि हिरण के समान आंख रखने वाली स्त्री को क्या कहते हैं, तो मृगनयनी। जिस स्त्री की आंखें हिरण के समान होती हैं उसे मृगनयनी कहते हैं, और अगर मछली के समान है तो उसे मीनाक्षी कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है रसराज किस रस को कहते हैं, तो श्रृंगार रस को कहा जाता है रसराज, यानी कि इस क्वेश्चन का
बी ऑप्शन सही है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हिंदी में रस कितने प्रकार के होते हैं? तो हिंदी में रस होते हैं 9 प्रकार के, और बाद में इसमें 2 रस और ऐड कर दिए गए थे, वात्सल्य रस और भक्ति रस, लेकिन 9 वाला ही आंसर सही माना जाता है। तो हिंदी में रस कितने प्रकार के होते हैं? 9, ये याद रखना है आपको। मूल रस 9 ही थे, बाद में उसमें वात्सल्य और भक्ति रस ऐड कर दिए गए, यानी कि 11 हो गए, लेकिन अभी भी 9 ही सही माना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, श्रृंगार रस का स्थायी भाव क्या है? तो श्रृंगार रस का स्थायी भाव होता है रति, यानी कि इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शांत रस का स्थायी भाव क्या है? तो शांत रस का स्थायी भाव होता है निर्वेद, यानी कि इस क्वेश्चन का ए ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वीर रस का स्थायी भाव क्या है? तो वीर रस का स्थायी भाव होता है उत्साह, यानी कि इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तरणी तनुजा तट तमाल तरवर बहुछाये पंक्ति में कौन सा अलंकार है? अब मैं आपको अलंकार थोड़ा डिटेल में बता देता हूं। तरणी तनुजा तट तमाल तरवर बहुछाये पंक्ति में कौन सा अलंकार होता है? तो आप याद रखिए, जहां पे भी व्यंजन वर्णों की आवृत्ति हो, व्यंजन, वहां पे अनुप्रास अलंकार होता है। जैसे इसमें याद रखिए, देखो, त फिर त फिर त फिर त और फिर त, ये ता की आवृत्ति हो रही है, और ता क्या होता है? ता क्या है? व्यंजन। और जहां पे भी व्यंजन वर्णों की आवृत्ति हो, वहां पे कौन सा अलंकार होता है? अनुप्रास अलंकार। तो यहां पे बी ऑप्शन सही है, ये नोट कर लीजिए आप। जहां पे भी व्यंजन वर्णों की आवृत्ति होगी, वहां पे अनुप्रास अलंकार होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, काली घटा का घमंड घटा पंक्ति में कौन सा अलंकार है? तो ये फिर नोट करिए, जहां पे भी कोई शब्द दो या दो से अधिक बार आए और उसका अर्थ हर बार अलग हो, वहां पे कौन सा अलंकार होता है? यमक अलंकार। कौन सा? यमक अलंकार। जहां पे भी कोई भी शब्द दो या दो से अधिक बार आए लेकिन हर बार उसका अर्थ अलग होना चाहिए, तो वहां पे यमक अलंकार होगा, यानी कि इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है। जैसे काली घटा, पहली घटा का मतलब क्या है? बादल। और दूसरे घटा का क्या मतलब? घमंड घटा। घटा का मतलब है कम होना। तो दो बार घटा शब्द आया है और दोनों बार अर्थ अलग है, तो यमक अलंकार हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मंगन को देख पट देत बार बार है पंक्ति में कौन सा अलंकार है? तो जहां पे भी कोई शब्द एक बार आए लेकिन उसके अर्थ अलग अलग हों, तो वहां पे कौन सा अलंकार होगा? श्लेष अलंकार। श्लेष का मतलब ही होता है चिपकना। श्लेष, श्लेष का मतलब क्या होता है? चिपकना। कोई शब्द एक बार आ रहा है लेकिन उसके अर्थ एक से ज्यादा उसमें चिपके हुए हैं, इस तरह से याद कर लीजिए। एक बार ही शब्द आया लेकिन अर्थ उसमें बहुत सारे चिपके हैं, तो वहां पे कौन सा अलंकार हो जाएगा? श्लेष अलंकार। जैसे इसी में देख लीजिए, मंगन को देख पट देत बार बार। पट पहले, मंगन, मंगन मतलब मांगने वाला, मंगन को देख पट, पट मतलब एक, पट का मतलब है यहाँ पे कपड़ा, कपड़ा बार बार दे देता है। और दूसरा यहीं पे पट का मतलब ये है, पट देत बार बार, यहाँ का मतलब है बार बार किवाड़ बंद कर देता है। तो दूसरा पट का मतलब क्या है? किवाड़। तो एक ही पट आया है लेकिन दो मतलब है, पहला मतलब है कपड़े और दूसरा पट मतलब है किवाड़। तो एक ही बार पट आया है लेकिन दो अर्थ चिपके हुए हैं, तो यहाँ पे हो जाएगा श्लेष अलंकार। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रातः नभ था बहुत नीला शंख जैसे पंक्ति में कौन सा अलंकार है? तो इसमें है उपमा अलंकार, यानी कि इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है। अब उपमा अलंकार को पहचानना कैसे होता है, ये मैं आपको बता देता हूं। उपमा अलंकार में चार चीजें होती हैं, उपमेय, उपमान, साधारण धर्म और वाचक शब्द, ये चार चीजें होती हैं, उपमेय, उपमान, साधारण धर्म और वाचक शब्द। उपमेय क्या होता है? जिसकी तुलना की जाती है। उपमान क्या होता है? जिससे तुलना की जाती है। साधारण धर्म क्या होता है? जिस शब्द से तुलना की जाती है। और वाचक शब्द क्या होता है? जैसे, जैसे आया, जैसे, सा, सी, से, ये होते हैं वाचक शब्द। अब उपमेय क्या है? इसमें उपमेय है नभ, प्रातः नभ। नभ क्या है? इसकी नभ की, नभ मतलब आकाश, आकाश की तुलना की जा रही है शंख से। प्रातः नभ था बहुत नीला शंख जैसे, शंख जैसा प्रातःकालीन नभ था। तो नभ क्या है? उपमेय। उपमेय की तुलना की जा रही है किससे? उपमान शंख से। तो शंख क्या हो जाएगा? उपमान। और साधारण धर्म क्या हो जाएगा? साधारण धर्म हो जाएगा नीला। और वाचक शब्द क्या हो जाएगा? जैसे।
अब ये तो थोड़ा टफ एग्जांपल था, मैं आपको एक और थोड़ा इजी एग्जांपल बता देता हूँ। जैसे कोई पंक्ति दी है, रिया चंद्रमा जैसी सुंदर है, चंद्रमा सी सुंदर है, ये लिख लीजिए, चंद्रमा सी सुंदर है। इस पंक्ति में भी उपमा अलंकार है। अब इसमें उपमेय क्या होगा, किसकी तुलना की जा रही है, रिया की, तो रिया क्या हो जाएगी, उपमेय। उपमान क्या हो जाएगा, चंद्रमा से तुलना की जा रही है तो चंद्रमा उपमान हो जाएगा। साधारण धर्म क्या हो जाएगा, सुंदर, सुंदर सुंदरता की तो तुलना की जा रही है तो साधारण धर्म सुंदर, और वाचक शब्द क्या हो जाएगा, सी। तो इस तरह से आपको उपमा अलंकार पहचानना होता है। चार चीजें होती हैं, उपमेय, उपमान, साधारण धर्म और वाचक शब्द। जिस की तुलना वो उपमेय, जिस से तुलना वो उपमान, और जो तुलना, जो तुलना है वो साधारण धर्म और वाचक शब्द, सा सी से जैसे, ये सब वाचक शब्द होते हैं। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चरण कमल पन्नो हरेराई पंक्ति में कौन सा अलंकार है, चरण कमल पन्नो हरेराई, तो है इसमें है रूपक अलंकार, यानी कि इस क्वेश्चन का बे ऑप्शन सही है। जहां उपमेय में उपमान का भेद रहित आरोप हो वहां पे होता है रूपक अलंकार। अब उपमेय क्या है, चरण, कमल क्या है, उपमान, तो चरण को कमल से तुलना की गई है, चरण को ही बिल्कुल कमल कह दिया गया है, भेद रहित आरोप है, बिल्कुल चरण कमल जैसे ही है, बिल्कुल जैसे शब्द का यूज नहीं किया, बिल्कुल कमल ही कह दिया है, तो भेद रहित आरोप है, तो वहां पर हो जाता है रूपक अलंकार। नेक्स्ट क्वेश्चन, सोवत ओढ़े पीत पट श्याम सलोने गात मनहु नील मन सैल पर आतप प्रयोग प्रभात पंक्ति में कौन सा अलंकार है, तो इसको पहचानना बहुत ईजी होता है। जहां पे भी जन जनहु जानहु मन मनहु मानव, ये छह शब्द आए, जन जनहु जानहु मन मनहु मानव, ये शब्द इनमें से कोई सा एक शब्द आ जाए, चुपचाप आप टिक कर देना उत्प्रेक्षा अलंकार। ये शब्द याद कर लीजिए, जन जनहु जानहु मन मनहु मानव, इनमें से कोई भी शब्द आपको मिल जाए तो आपको टिक कर देना है उत्प्रेक्षा अलंकार। तो ये थे हिंदी के कुछ इंपोर्टेंट क्वेश्चन जो अलग अलग कॉम्पिटिटिव एग्जाम में बहुत बार पूछे गए हैं। अब आपके लिए एक क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन का आंसर आपको कमेंट बॉक्स में बताना है, चंद्रशेखर शब्द में कौन सा समास है, तो आपको बताना है, चार ऑप्शन दिए गए हैं, इनमें से आपको बताना है कि चंद्रशेखर में कौन सा समास है। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो इसे लाइक करें, शेयर करें, और अगर आप किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं और अभी तक आपने हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे आप सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, आपको इस चैनल से निश्चित ही मदद मिलेगी। जब भी आप इसे सब्सक्राइब करेंगे तो बराबर में एक बेल आइकन बन के आएगा, आप उस बेल आइकन पर जरूर क्लिक कर लें, और आपको कमेंट बॉक्स में जरूर बताना है कि इन 80 क्वेश्चन में से आपको पहले से कितने क्वेश्चन आते थे, और आप इस वीडियो की पीडीएफ फाइल हमारे टेलीग्राम ग्रुप और हमारे फेसबुक पेज से भी डाउनलोड कर सकते हैं, और टेलीग्राम ग्रुप और फेसबुक पेज का लिंक मैंने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। और इसके अलावा अगर आपको कोई भी डाउट है या कोई भी कंफ्यूजन है तो आप मुझसे मेरे पर्सनल फेसबुक पेज और इंस्टाग्राम पर डिस्कस कर सकते हैं। इंस्टाग्राम पर आप इंद्रेश आरसी सर्च करके मेरे साथ जुड़ सकते हैं और कोई भी डाउट डिस्कस कर सकते हैं। Thanks for watching.